नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। गुनाह दबे पांव आता है, कभी छोड़ता है निशान तो कभी बेनिशान गुजर जाता है। काली स्याह रातों में जब रंजिश भारी होती है तब गुनाह अपना सिर उठाता है और फिर गुनाहगार लिखता है अपने जुर्म की इबारत। जुर्म की उसी इबारत से हम जुटाते हैं सुराग और फिर कड़ी दर कड़ी जोड़कर गुनाहगारों को करते हैं बेनकाब। क्राइम रिपोर्टर की शुरुआत में हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें विश्वास के नाम पर, परंपरा के नाम पर मासूमों की चीख आपको विचलित कर सकती है। जमशेदपुर के आदिवासी बहुल इलाके में परंपरा और संस्कृति के नाम पर बच्चों को गर्म लोहे से, गर्म सलाखों से दागा जाता है। यह परंपरा सदियों से आदिवासी समाज में चली आ रही है और अब तक इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। परंपरा के नाम पर पाप, रिवाज के नाम पर इंसानियत शर्मसार। गर्म सलाखों से दागे गए मासूम, चिड़ी दाग समाज के मुंह पर कालिख। ये तस्वीरें आपका दिल दहला देंगी, ये तस्वीरें इंसानियत के नाम पर कलंक। जमशेदपुर से आई ये तस्वीरें और बच्चों की चीखें सवाल पूछ रही कि ये परंपरा या पाप। दरअसल मकर संक्रांति के दूसरे दिन यहाँ के आदिवासी इलाकों में बच्चों को गर्म सलाखों से दागा जाता है, जो भी इसलिए कि पकवान खाने से बच्चों को पेट दर्द की शिकायत न हो। जो पिठा मुड़ी सब खाते रहते हैं ना, उसमें पेट दर्द होता है, तो दर्द नहीं होता है, इससे दर्द कटता है। कैसे दर्द कटेगा? जो तांबा का है हम लोग थोड़ा से उसमें जैसे जलाए और उसके बाद थोड़ा से उसमें दाग देते हैं। चिड़ी दाग परंपरा की सबसे बड़ी क्रूरता ये है कि इससे नवजात भी नहीं बच पाते। आस्था या अंधविश्वास, पूर्वजों के द्वारा पत्थर पे खींची हुई लकीरों को अब भी यहाँ के लोग अपनी परंपरा मानते हैं। कहते हैं कि माँ अपने बच्चों की एक कराह नहीं सुन पाते, लेकिन यहाँ माएँ ऐसी हैं कि नवजात को दागने के बाद घंटों बिलखता छोड़ देती है। मकर संक्रांति को सुख मानती है, इसलिए बच्चा लोग को पेट में चिड़ी दाग देती है। तो ये गर्म रॉड से बच्चों को, जब बच्चा रो रहा था तो उनका ये क्या बोलते हैं, पेट ये नॉर्मल हो जाते हैं, नर्स नस सब नॉर्मल हो जाएगा। बच्चा लोग को पेट दर्द नहीं। क्यों आज का दिन किया जाता है इसको? आज का दिन हम लोग सुख मानते हैं। सुख मानते हैं। एक ऐसी परंपरा जो देश को हजारों साल पीछे ले जाने का एहसास कराती है। अंधविश्वास में आंखों पर पट्टी बांधे इन बच्चों के माता पिता के मुताबिक चिड़ी दाग कड़वाने से बच्चे मेहनती और निडर होते हैं, जो अपनी जीविका को चलाने में खुद को समर्थवान महसूस करते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक 13वीं शताब्दी से ये चला आ रहा है। आज के दिन ये जो मकर है ना, इसमें जो ये लोहा को, लोहा नहीं है, ये तांबा है। तांबा को एक करने देंगे अग्नि का जो ये रहता है, अग्नि वायु और ये तेल है, वो जल है, ये तीनों का संगम से जो भी काम होता है, बड़े बड़े जो रोग भी होता है ना, उसको खत्म कर दिया जाता है। नस जो ये सीरा हम लोग का, ये जो पेट का सीरा होता है ना, वो मोटा नहीं होता और जब भी पेट का सीरा नहीं बढ़ता होता है। अब आप बताएं कि इसे क्या कहेंगे? क्या इसे परंपरा कहकर होने देना जायज है? क्यों नहीं इसे अपराध मानकर कार्रवाई हो? भला ये कलंक नहीं तो और क्या है? रांची से कुमार चंदन के साथ पीयूष मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। बोकारो में मोबाइल के लिए एक दोस्त ने अपने दोस्त का गला घोंट डाला। यही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को जंगल में ठिकाने लगा दिया। लेकिन जिस मोबाइल की खातिर दोस्त की हत्या की गई, उसी मोबाइल ने उसके हत्यारे होने का पुलिस को सबूत भी दे दिया। क्या है मोबाइल मिस्ट्री, आप भी देखिए। मोबाइल से आप करेंगे क्या? दोस्तों से बात करेंगे, चैट करेंगे और क्या,
लेकिन दोस्त ही नहीं रहेगा तो मोबाइल लेकर क्या खाक करेंगे। बोकारो में एक छात्र के सिर पर एंड्रॉइड फोन की सनक इस कदर सवार हुई कि वो भूल गया अपनी दोस्ती। सारा चीज कबूला वो कि वो मर्डर किया है, कन्फेस किया है, तो फिर उसी कन्फेशन पे जाकर के बॉडी को रिकवर किया गया कार में। हत्या की वजह क्या है? हत्या का वजह वही था, आपसी विवाद बता रहा थोड़ा सा खेल। मामला बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने दोस्त को पहले धोखे से घर से बाहर बुलाया, तारमी पंचायत के जंगल ले गया और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया। मृतक की पहचान तारमी बस्ती के प्रमोद गिरी के इकलौते बेटे नीतीश गिरी के रूप में की गई, जो मात्र 13 साल का था। सवाल है आखिर क्यों मासूम बन गया मतलब का यार? दोस्ती छोड़ किया मोबाइल से प्यार, दोस्त से ज्यादा प्यारा मोबाइल, बच्चों में मोबाइल का क्रेज क्यों इतना बड़ा? मोबाइल की खातिर दोस्त क्यों बन गया हत्यारा? ये वारदात सवालों से ज्यादा अभिभावकों के लिए सबक है। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। गया के बेलागंज में बेखौफ बदमाशों ने उपमुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने मुखिया के परिवार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। बेलागंज में बेलगाम बदमाश उपमुखिया को मारी गोली। मामला गया के बेलागंज का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर अकथू कंचनपुर पंचायत के उपमुखिया की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आधी रात को अपराधियों ने उप मुखिया विनोद पासवान के घर में घुसकर गोली मार दी। पहले सर बकरी छरदे वाली दिया टाप के, पहले बकरी के मारा। बकरी जब में आने लगा तो वही आप ही कहे कि बकरी आज हुराई हो देखना, तो हम कहे ना कि ना भूखल चिचिया तो कि ना देख। जब उठ के वो पैर हाथ ऐसे ऐसे सोच करे लगे कि हम निकलेंगे बाहर पैर पेशाब करेला, तो ये लालू और गुड्डू छरदेवाली टप के जब गेट खोले तो एकदम जाके गोली भिड़ा दिया। जब उन लोग पर हम जाके ऐसे सूते तो हमको झकड़ो पकड़ के और उन लोग से किनारे कर दिया। विनोद की पत्नी पंचायत की मुखिया के पति और देवर पर हत्या का आरोप लगा रही है। कुछ दिन पहले ही हुए विवाद के बाद मुखिया के देवर ने विनोद को जान से मारने की धमकी दी थी। दो गो सामने गए और एगो गेटे पर खड़ी थे, तीन गो लालू गुड्डू रिजू ना उसको भोजाई है मुखिया। हाँ वो काज करता ने उसको नाम चढ़ावा गया है, काज करता ने सब तो करता धरता यही थे, यही उसको लूरो बताए वाला या उलट के ले लिया। अकथू कचनपुर गांव के चौकीदार हैं, उन्हीं का लड़का है और रात में अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है। उनका इलाज यहाँ पर कराने के लिए हम लोग लाए तो यहाँ मृत घोषित कर दिए गए। ये वार्ड से जीते हुए थे, अभी शायद उप मुखिया थे, अभी तो चल रहा है छानबीन। चल पता रही उनकी पत्नी की घर में घुस के ही मारा गया, कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जयप्रकाश, जी मीडिया, गया। औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना के गोवंडी गांव में संपत्ति विवाद में एक अधेड़ शख्स की रॉड से पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक शिवकेश्वर यादव की संपत्ति पर उसके भाई और भतीजों की बुरी नजर थी और सारी संपत्ति अपने नाम कराए जाने के लिए अक्सर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन लगातार इनकार के बाद भाई और भतीजे ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कृष्ण यादव एक घर से थोड़ा देर बथान से जा रहे थे, एक प्लानिंग के तहत योजना बनाकर वो लोग बैठा हुआ था और जा रहे सबल से इतना वार किया कि उनकी मृत्यु हो गई। वो 4 महीने बाद घर लौटा, लेकिन उसे देखकर गांव के मासूम बच्चे भागने लगे, डर से कांपने लगे। बच्चों के डर को देखकर परिजन परेशान हो गए। बच्चों ने जब डर की वजह उजागर की तो सभी हैरान रह गए।
देखो वो फिर आ गया। भागो, जल्दी भागो, वो आ गया। इन मासूम बच्चों के मुंह से यही शब्द निकले। हैवान का चेहरा जब 4 महीने बाद बच्चों की आंखों के सामने चमका तो बच्चे डर पर काबू न कर सके और नन्हे पैरों से भागने लगे। फिर परिजनों के सामने जो दास्तान सुनाई उसने परिजनों के होश उड़ा दिए। दरअसल वैशाली के ग्राही गांव में हैदर अली नाम का शख्स इन मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, हैवानियत की सारी हदें पार करता था। बच्चे मामले को उजागर न करें इसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। मामले का खुलासा शायद कभी नहीं होता अगर आरोपी 4 महीने बाद अपने घर नहीं लौटता। आरोपी हैदर अली जैसे ही घर आया बच्चे उसे देखकर भागने लगे, डर से कांपने लगे। तो बच्चा लोग बताया कि वो क्या गलत किया, तो इसके लिए 2-4 आदमी हमको अपना घर के आदमी फैमिली सबके बाहर से बुलाया गया। हम दुकान से आ रहे थे, वो ना हुआ पर खड़ा था, फुसला फुसला के ले गया था। हम नहीं जानते थे कि क्या करेगा, घर में ले गया था, घर बंद करके किया था। 3-4 दिन किया, बोला था कि कोई को बोलेगा ना तो घर में से खींच के जान मार देंगे। दिन बेले यहाँ पे सुतते थे ना, उठा के ले जाता था जबरदस्ती, या जिलाते थे मुंह बंद करके ले जाता था और जबरदस्ती बोर पर बोर धो के हाथ चाँद के पैट खोल के ऐसा काम करता था और धमकी दिया था। मामला सामने आने के बाद परिजन हैरान रह गए, फौरन आरोपी के घर पहुँचे, उससे मारपीट करने लगे। बाद में मामला पुलिस थाने पहुँचा जिसके बाद आरोपी घर से फरार हो गया। 6 बच्चा का बयान वो लिए है पेपर पे, सभी बच्चा ने इस तरह का घटना का जिक्र किया और जहाँ पे ये घटना हुआ पुलिस वहाँ दरवाजे पर गए हैं, मुआयना किए हैं, उनके बाद ये घर वाले को वार्निंग दिए कि आप लड़का को हाजिर कीजिए थाना में, लेकिन नहीं अभी तक वो लड़का थाना में हाजिर नहीं हुआ है। परिजन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लिखित शिकायत के बावजूद अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ित बच्चों के परिजन पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगा रहे हैं। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। नवादा के पकरी बरावा थाना के रेवार गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी है। गोली छात्रा के पेट में लगी और उसे गंभीर हालत में सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग सो रहे थे तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शंभू शरण सिंह की छोटी बेटी है तान्या कुमारी, उसी को गोली लगने की बात आई है। पहले बताया गया कि अपराधियों के द्वारा ये काम किया गया है, लेकिन हम लोगों ने गांव में पूछताछ किया तो बताया कि किसी भी तरह के कोई अपराधी यहाँ नहीं आए हैं। ये घटना उन्हीं के घर के अंदर कमरे में घटी है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, वरीय पदाधिकारी महोदय को सूचना दे दी गई है, आगे अनुसंधान किया जाएगा कि असली बात क्या है। हम लोग सोए थे सब लोग, अचानक से आवाज आई मेरे घर में। हम लोग उठकर वहाँ गए तो जहाँ आवाज किया तो वहाँ जाने के बाद देखे ये बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद हम अस्पताल इसको लेकर आ गए, यही मामला दर्ज किया। 23 दिसंबर को कोडरमा से लापता रोहित कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रोहित के परिजनों ने कहा है कि पुलिस अब तक उन्हें आश्वासन ही दे रही है। बताया जा रहा है कि वो तिलैया डैम घूमने जा रहा था। रोहित कहाँ है? पुलिस 23 दिसंबर से इसकी जांच में लगी है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं लगा पाई है। परिजन परेशान है कि आखिर पुलिस अब तक आश्वासन ही क्यों दे रही है। हम लोग उसको हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। हमारी तो लास्ट तक हमारी प्रयास यही रहता है कि हम व्यक्ति को खोज के निकालें। हर एंगल से उसका अनुसंधान जारी है। अभी 25 दिन बाद भी कहां लापता है रोहित? आपको बता दें कि कोडरमा के लक्की बागी के होटल कारोबारी प्रकाश यादव का बेटा रोहित कुमार बोलेरो के साथ लापता हो गया। रोहित अपने घर वालों को ये कहकर निकला था वो तिलैया डैम घूमने जा रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। गांव वाले भी अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन का कोई
कोई अगला कदम नहीं, सिर्फ लास्ट लोकेशन प्रशासन कहने के हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद इसके दिलासा इसके हम लोग आज तक हम लोगों को कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि लगे हुए हैं, इसके बाद कोई ऐसा ठोस कदम प्रशासन का दिखाई नजर नहीं आ रहा है। हम उसका फादर है, 23 तारीख से अपना पता है, हम लोग को डर लगता है कि कहाँ से बेटा आवे, हम लोग नींद आ रहा है, खाना पीना कुछ नहीं, धंधा पानी करने का कुछ नहीं आ रहा है न, हम लोग थोड़ा माइंड खराब हो चुका। पुलिस को ग्रामीणों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने रोहित की जल्द बरामदगी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। नवादा में सास बहू के झगड़े का शिकार एक 9 माह का मासूम बन गया। दरअसल पारिवारिक विवाद में सास बहू का झगड़ा चल रहा था, इसी दौरान महिला की ननद वहां आ गई और उसने मासूम पर गर्म पानी फेंक दिया। गर्म पानी से बच्चा बुरी तरह झुलस गया और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला अकबरपुर थाना के तराइनी गांव का है। बताया जा रहा है कि सोनी देवी अपनी सास उर्मिला देवी से बात बात पर झगड़ती रहती है, इसे लेकर विवाद बढ़ा और इस झगड़े का खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ा। बिगल को दो तीन आखि मारल को गांधी और जे रहनी है बिगल को और रोगे जर के लो मदन ना लो जे पटका पटकी घेवा चाप ले लो मदन आती काहे के लिए आए 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 चूल्हा के लिए हमरा हिस्सा नहीं देखो को कुछ जाइए दिन लिखना हाथ खेत में उठाइए लाला के खेत में है जिसका में हमारा पापा की घर उठाइए हमारा हिस्सा नहीं तब का बेटा के घर दे दिया। अब भीड़ के गुस्से की खबर। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार में कानून हाथ में लेने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं और यहां तक कि मौत के घाट भी लोग उतार दे रहे हैं किसी को। बीते 24 घंटे में ही राज्य के 2 जिलों में लोगों ने कानून को दरकिनार कर खुद इंसाफ किया। रोहतास के छावा गांव में चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, शव की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं औरंगाबाद के गोवंडी में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। पीट पीट कर मौत के घाट उतारने की इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या कानून को हाथ में लेने वाले लोग कानून में विश्वास नहीं करते? आखिर क्यों कानून हाथ में ले रहे हैं ये लोग? क्या पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है? पुलिस तंत्र पर भीड़ तंत्र क्यों भारी पड़ता जा रहा है? क्या अफवाहें लोगों पर हावी हो रही हैं? सवाल यह भी कि किसी की जान लेना कैसा इंसाफ है? मुंगेर जिले के बरियारपुर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार में शामिल एक दंपति को 750 ml के 100 बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दंपति को उस वक्त गिरफ्तार किया जब टाटा सफारी गाड़ी से देसी शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने धंधे में इस्तेमाल किए जा रही सफारी गाड़ी भी जब्त कर ली है। पुलिस ने गुप्त जानकारी के बाद गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि टाटा सफारी वाहन में झारखंड से शराब की खेप आ रही है और उसके आधार पर टीम बनाकर पुलिस ने कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके में दिन दहाड़े महिला डेयरी संचालक से 1,50,000 रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर महिला के सिर पर पिस्तौल की बट से हमला कर घायल कर दिया गया। लूट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस मामले में डीएसपी टाउन आशीष आनंद ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी के सहारे अपराधी तक जल्द पहुंच जाएगी। मामला जो है मुजफ्फरपुर का है। अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके में दिन दहाड़े महिला डेयरी संचालक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर महिला के सिर पर पिस्तौल की बट से हमला किया गया, उसे घायल किया गया। लूट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में डीएसपी टाउन आशीष आनंद ने कहा है कि सीसीटीवी की मदद से अपराधी तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। वाहन चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना समेत 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल पटना के अलग अलग इलाकों में लगातार वाहन चोरी और लूट की खबरें सामने आ रही थी। इसी को लेकर सिटी एसपी पश्चिम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने नेवरा गांव से बदमाशों को पकड़ लिया है, जबकि 9 वाहनों के साथ 3 देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नीरज और गौतम नाम के अपराधियों की हत्या के मामले में भी तलाश थी। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। अभी तो हमारे हाल में 3 गाड़ियां लूटी गई, वो बरामद की गई, उसके अलावा भी कई गाड़ियां लूटने की बात सामने आ रही है। बाकी जिलों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जहां जहां बेची गई हैं गाड़ियां उनके खरीदारों के बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं, और पूरा जो इसमें नेक्सस है, सप्लाई चेन नेटवर्क जो इसमें काम करता है, उसकी तह तक हम लोग जाएंगे इसमें। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र महदौली आमगाछी के पास पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से लॉटरी का धंधा करने वाले एक सरगना समेत 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया और सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 6 जुआरियों को मौके से दबोच लिया। लॉटरी के सरगना पप्पू मंडल के बहुत दिनों से पुलिस को चकमा देने की खबर आ रही थी, लेकिन अचानक इस दबिश में वो गिरफ्त में आ गया। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 23,680 रुपए नकद और बड़ी संख्या में लॉटरी के टिकट, रजिस्टर, कागजात, मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है। ये बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ अवैध रूप से लॉटरी और जुआ खेला जा रहा है, इसी सूचना पर अभी छापेमारी की गई थी, जिसमें कुल 6 व्यक्ति पकड़े गए हैं और बड़ी मात्रा में पैसे और लॉटरी खेलने के सामान बरामद हुए। लट्टी खिलाता सत्ता था वाला जो होता है हम लोग नहीं जानते हैं, है ना सर। उसके बाद हम लोग गांव में मना करता कहता कि तुम्हारे इलाका में नहीं खेलते हैं, जो होगा हम देखा जाएगा। इस पर जो शहर के आदमी आते हैं, है ना सर, इसमें 200-200 जगह उस पार का भी आते हैं, बहुत जगह के आदमी आते हैं, और रात में कोई कांड होता है तो करेगा सर, नहीं हम लोग तो बात मानते नहीं है। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना के गोसपुर गांव में बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने बीती रात आईटीआई कॉलेज स्थित कौशल युवा केंद्र से 21 लैपटॉप समेत कई कीमती सामानों की चोरी कर ली। चोर छत के एस्बेस्टस को काटकर घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में कौशल युवा केंद्र के संचालक का कहना है कि घटना की जानकारी तब मिली जब सुबह कॉलेज खुला। संचालक की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुटी है। मामला बीती रात की है। आज सुबह जैसे ही आईटीआई खोलने के लिए आया, यहाँ पर आईटीआई में कौशल विकास केंद्र का एक संस्था खुली हुई है, ठीक है, उसे खोलने के लिए जब शटर खोला तो उसने एक खिड़की के सामने गया तो वहाँ पर ग्लास टूटा पड़ा देखा। जब ग्लास टूटा पड़ा देखा तो उसने घूम कर देखा तो वहाँ पर जितने तमाम लैपटॉप लगे थे सभी लैपटॉप चोरी हो गए। कुल मिलाकर 21 लैपटॉप थे जिसकी कुल कीमत 5 लाख से ऊपर है, जो चोरी कर ली गई है। देवघर में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भारत गैस एजेंसी डकैती के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने लूट के 1.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस लूट कांड में 6 अपराधी शामिल थे और करीब 3.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। हालांकि 5 अपराधी अब भी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार के साथ मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं देवीपुर थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गैस गोदाम के अंदर लूट हुई थी 3 लाख रुपए की। इस पूरे गिरोह का उद्भेदन हो गया है। 3 लाख में 1.25 लाख रुपए हम लोगों को मिला है, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल मिला है। बिहार झारखंड के बाहर की अपराध की खबरें अब आपको दिखाते हैं, वो भी कम समय में पूरी जानकारी के साथ। शुरुआत मुंबई के थाने से, जहां सरकारी अस्पताल की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पलक झपकते ही एक मां अपने बच्चे से बिछड़ गई। सीसीटीवी की तस्वीरें ठाणे के सिविल अस्पताल की हैं। एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ सोई थी, इतने में एक महिला वहां पहुंची और बच्चे को चुरा कर निकल गई। अस्पताल के मेन गेट से भी महिला के निकलने की तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं। पीड़ित महिला भिवंडी की रहने वाली है और उसे एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये घटना रविवार सुबह 3 बजे के बाद की है। हमने तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है और पुलिस भी इमीडिएटली आई है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा शुरू है। चोरी के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। न्यूबॉर्न बेबी की किडनैप हुई थी, 363 IPC के तहत गुना दाखिल हुआ है और हमने 4 टीम बनाई है और डिटेक्ट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के पालम इलाके में देवर पर अपनी भाभी और भतीजे की हत्या का आरोप लगा है। पालम के सेक्टर 7 में ये डबल मर्डर हुआ। आरोपों के मुताबिक प्रमोद ने पहले अपने 15 साल के भतीजे की घर के भीतर हत्या की, उसके बाद घर के बाहर भाभी दीपा की भी गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद प्रमोद फरार हो गया। शुरुआती छानबीन के मुताबिक हत्या की वजह प्रॉपर्टी का झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि डबल मर्डर को प्रमोद ने अकेले अंजाम दिया है या उसके साथ कोई और भी इस वारदात में शामिल है। नोएडा में लूटपाट के लिए बदमाशों ने एक कंपनी के गार्ड की हत्या कर दी और सामान लेकर फरार हो गए। लूटपाट और हत्या की यह घटना सेक्टर 63 में एक गारमेंट कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस में हुई। गार्ड की हत्या करने के बाद बदमाश दो तिजोरी और दूसरे सामान लूट कर ले गए। बदमाशों ने दफ्तर में लगे सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। गार्ड को 3 गोलियां मारी और 3 गोलियां मार के मार दिया उसे, और 2 तिजोरियां एक सेकेंड फ्लोर से धकेलती हुई ले गई, 400-500 किलो की तिजोरियां, और एक ग्राउंड फ्लोर से तिजोरी घसीटते हुए ले गए। हत्या और लूटपाट की वारदात उस वक्त हुई जब गार्ड दफ्तर में अकेला था। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में फिर तत्काल पुलिस ने अपनी छानबीन फॉरेंसिक टीम से एविडेंस कलेक्शन, ये कार्रवाइयां चल रही हैं और हमारी टीम इस चीज को वर्कआउट करने में लगी हुई है। क्राइम रिपोर्टर में आज बस इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।